उत्तरी भारत के एकमात्र सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ मंदिर दियोटचित में ट्रस्ट प्रशासन ने नववर्ष के अवसर पर मंदिर को 24 घंटे खुला रखने का निर्णय लिया है। नए साल के अवसर पर अपने इष्ट सिद्ध जोगी के दर्शनों के लिए भारी तादाद में श्रद्धालुओं के आने की संभावना के मद्देनजर न्यास प्रशासन ने 31 दिसंबर को पूरी रात मंदिर खोलने का निर्णय लिया है, ताकि श्रद्धालुओं का ज्यादा रश जमा न हो और श्रद्धालु बिना भीड़ किए बाबा के दर्शन कर सके। इस बाबत मंदिर अधिकारी कृष्ण कुमार ने जारी आदेशों में मंदिर ट्रस्ट प्रशासन द्वारा लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि नए साल पर गत वर्षों की स्थिति का अवलोकन करने पर वे पूरी संभावना है कि इस बार भी भारी संख्या में श्रद्धालुओं की आमद मंदिर में होगी तथा ज्यादा संख्या में श्रद्धालुओं के आने से भीड़ एकत्र न हो, इसलिए ये व्यवस्था की गई है। वहीं उपायुक्त हमीरपुर देवाश्वेता बनिक ने बताया कि एकमात्र सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ मंदिर दियोटचित को 30 दिसंबर व 1 जनवरी को 24 घंटे के लिए खुला रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि मंदिर ट्रस्ट का उद्देश्य कोविड नियमों की पालना के साथ सही तरीके से श्रद्धालुओं को दर्शन करवाने का है, ताकि सुरक्षा भी रहे और श्रद्धालु भी दिक्कतों का सामना न करें। यहाँ पे 31 तारीख और 1 तारीख को जैसे कि हर साल की जो है प्रथा रहती है कि बाबा बालकनाथ हमारा ड्यूट सिद्ध मंदिर जो है उसमें काफ़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं और अलग जगहों से भी अलग अलग जगहों से आते हैं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए ताकि भीड़ जो है एक जगह पे बहुत ज़्यादा इकट्ठा ना हो और भीड़ लोग जो हैं लगातार आके दर्शन करके सुचारू रूप से जाते रहें, तो इसीलिए 24 घंटे जो है सिर्फ उन दो दिनों के लिए जो है मंदिर खोलने का जो है वो निर्णय लिया गया है, ताकि कहीं भी जो है श्रद्धालु आके ज़्यादा देर तक जो है भीड़ भाड़ के इलाकों में जो है उनको वेट ना करना पड़े, इंतज़ार ना करना पड़े। इसी के साथ साथ कोई भी अलग एक्सटर्नल लंगर या जागरण या कोई भी ऐसी अलग से किसी भी ऐसे कार्यक्रम को आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी, और कोविड के चलते जो है कोई भी इस तरह की अलग से गतिविधियां जहां भी भीड़ इकट्ठा हो सके ऐसी कोई भी गतिविधि जो है अलाउड नहीं होगी, और सिर्फ दर्शन करने के लिए ही श्रद्धालु जो हैं वो आके सुचारू रूप से अपना दर्शन करके जो है जा सकते हैं। हम फिर भी लोगों से गुजारिश करेंगे कि जो भी आए वो सभी कोविड के नियमों का पालन करें और जहां तक हो सके ऑनलाइन के माध्यम से या अपनी श्रद्धा से जो है भीड़ जो है इकट्ठा कहीं भी जो है करने से बचें और अनावश्यक रूप से जो है वो यातायात ना करें।